मेरे भाई लोग, कोरिया की एक बहुत ही खतरनाक और तबाही वाली मूवी आई है, और जो कि बोलूं तो ये एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी होने वाली, जिसका नाम है नोयांग डेडली सी। और बात करें तो 1598 में कोरिया और जापान के बीच में एक युद्ध हुआ था। और बात करें तो कोरिया की तरफ से यू सिंग नाम का एक कप्तान होता है, जो कि अपनी सेना को लेकर जापानी सेना से लड़ा था। और ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था नोयांग नाम का एक समुद्र इलाका होता है वहां पर। बोले तो जो बेटल समुद्र में हुआ था, जापान और कोरिया के बीच में जो तबाही मची थी, जो खून खराबे हुए थे, भाई उसी को ये मूवी दिखाती है। अब 1598 में कोरिया और जापान के बीच में किस तरह से युद्ध हुआ था, किस तरह से माहौल बना था, और कितने लोगों की जान गई थी, और क्या तबाही हुई थी, और एंड में किसकी जीत हुई थी, किसकी नुकसान हुआ था, और कैसे कैसे कहानी थी उस समय की, सब कुछ जानना चाहते हो तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। भाई घोषपा आ गई, इतनी बड़ी बचत की मूवी बनाई है कि कहीं पर भी इन लोगों ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। जितना भी पैसा लगा था इन लोगों ने लगा दिया था। और जो युद्ध, जो तबाही जो देखने के लिए मिलती है ना, सच कह रहा हूँ, घोषपा आ जाते हैं हर एक सीन देखने के बाद। बात करें तो एक घंटे, स्टार्टिंग से एक घंटे की मूवी में आपको कोई युद्ध देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ये मूवी जो ना युद्ध, जैसे कि राजा महाराजाओं के समय में जब युद्ध हुआ करते थे, तो जो प्लानिंग होती थी, जो लोग राजनीति बनाते थे, और किस तरह से युद्ध लड़ना और क्या क्या करना, यही सभी चीजें चलती रहती है। लेकिन भैया मूवी ढाई घंटे के, एक घंटे ही तक ही ये सभी चीजें चलती, और उसके बाद जो युद्ध होता है, जो तबाही मचती, जो खून खराबे देखने के लिए मिलते हैं, भाई साहब रोंगटे ये मूवी खड़ी कर देती। सच कह रहा हूँ, बहुत ही तबाही मची है इस मूवी में, और जो कि देखने के लिए मिलती है। ये कम बचत की मूवी नहीं है, इसलिए आपको हर एक सीन आपको घोषपा लाने वाले हैं। बाकी गाइस जानना चाहते हो कि 1598 में क्या क्या हुआ था जापान और कोरिया के बीच में, युद्ध हुआ था, किस तरह से हुआ था, तो आप इस मूवी को देख सकते हो। मुझे तो भाई बहुत ही खतरनाक मूवी लगी। बाकी इस मूवी को जो है ना प्राइम वीडियो पर जो है स्ट्रीम कर दिया गया है, हिंदी, तमिल, तेलुगु में, जाकर देख सकते हो। बाकी गाइस मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।